ओम शांति। आज 4 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें अगर सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से अनुभव करना है तो उसकी विधि है कि इस समय देहधारियों से अपनी बुद्धि की प्रीत निकाल एक परमात्मा को मां में कम याद करना है। दूसरी बात बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म सुनाई है। बाबा कहे, संगम युग में सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। जितना ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना ये खजाना ट्रांसफर होकर 21 जन्म स्थूल खजाने के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु ये ज्ञान रत्न स्वयं भी धारण करना है और दूसरों को धारण कराना है, तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मां में कम याद करो, यही मंजिल है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में शाहूकार बन जाते हो? उत्तर, सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं, जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लक्की स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है, नहीं कहेगा ये हमारी रचना है। तो ये रूहानी बाप है, जिसे भी पार्ट मिला हुआ है वही मुख्य एक्टर क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं। वह है मोस्ट बिलवेड। परमात्मा है मोस्ट बिलवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मां में कम, यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड यानी प्यारा पिता भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। सतयुग में यही ज्ञान रत्न का खजाना ट्रांसफर हो विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है।
आगे तो विनाशी धन दान करते थे, तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का ही मिलता है। दुनिया में तो कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रसम रिवाज देखो कैसी संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म है। यह है देवताओं की रसम रिवाज, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन अर्थात संपूर्ण पवित्रता सत्युग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सत्युग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो, क्या समझते हो, देवताएं किस बहिष्ट के निवासी है? वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहां से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने, लेकिन ब्रह्मा बाबा ऊपर से नहीं आते हैं, वो यहां ही थे। तो इसीलिए बाबा कहे मैं तो इम्प्योर था। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने, यहां तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, इसीलिए वो भी ऊपर से आते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए, एक यहां जो स्थूल वतन में और दूसरा सूक्ष्म वतन में। तो इसीलिए बाबा कहे दो ब्रह्मा हो गए, इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूं। ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण रचता हूं, आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है, अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। परंतु बनेंगे तब, कब? जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारी ही हूं बस। यह तो निश्चय है हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, काली को कितनी भुजाएं दी है, इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी ये काली आदि कुछ नहीं है,
जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते। बाबा ये भी स्पष्ट कर देते, हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड कि तुम वारिस हो, ऐसे प्यारे पिता के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी उच्च सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा की मदद से मनुष्य से देवता बनाते कैसे? बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं है, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे। हमको तो सिर्फ तीन पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति। एक नया मीनिंग बाबा ने दिया। ज्ञान माना समझ कहते थे, लेकिन ज्ञान माना जिस समझ से सदगति होती है। सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं। तो जब परमात्मा आकर मत दे करके सदगति करते हैं तो सर्वव्यापी कैसे हुए? सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे, आगे क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? गट ही में सूर्य, गट ही में चांद, गट ही में 9 लाख तारे। गट में सूर्य इस समय है, गट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर गट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स है। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर यानी पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पाठ भी बजाते हैं, देखते भी है, यह तो समझ सकते हो क्या कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि क्लास बाबा का है।
23 दिसंबर 1958 का, बहुत पुराना बाबा का ये रात्रि क्लास है। बाबा कहे, देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने यानी सेंटर्स है, जहां से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ, बाबा है सब कारखानों का, सब सेंटर्स का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही है, दुकान कहो हॉस्टल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से, पढ़ाई से हमें अपना जीवन बनाना है। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, जिस्मानी बाबा रूहानी बाबा दोनों इकट्ठा है। दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, बाबा कहे हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, यहां कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ है। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपाकर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा, धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। कितना सरल रीति से बाबा कहते, धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज के दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। ऐसे चिट्ठी बच्चों की आती थी, बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी, यहां प्योरिटी बहुत चाहिए। बाबा कहे यहां पवित्रता की धारणा बहुत चाहिए। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपन्न यहां बनना है। रिहर्सल यहां होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेंगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है सारी परीक्षाएं। बाबा कहे इंजन मैं हूं तो पहले मेरे सामने आती है, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है इतनी और कहां नहीं मिलती, परंतु यहां हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासो श्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमूलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते। जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो,
या उनके रथ पर? पूछते बाबा, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर? जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, शिव बाबा इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। इतनी गुहे बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट यानी बहुत फायदा है। फिर है बाबा के नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। प्रॉफिट माना नफा, फायदा। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी उच्च मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। पहला पॉइंट, श्वासो श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरा, उस्ताद के हाथ में हाथ दे, संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है, सार है स्मृति स्वरूप बनना। इस ज्ञान का एसेंस यानी इस ज्ञान का सार है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है, इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। निर्णय शक्ति द्वारा ही सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। आज का स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अच्छा, ओम शांति।